दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी और उसकी जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो ताकि सभी लोगों को ये जरूरी मैसेज मिलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रमुख आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान चेयरमैन जो हैं सभी आयोग के, जो कि अपकमिंग एग्जाम्स में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, विशेषकर SSC, बैंक, रेलवे, PSC, पुलिस एग्जाम, UPTET और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं सभी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हमने पिछली परीक्षाओं में देखा है, जो भी हाल ही में हुए हैं उनमें इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल, इस क्वेश्चंस को रट लीजिए, आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल और बेनिफिशियल होने वाला है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरह के डेली वीडियोज़ एग्जाम से रिलेटेड मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें और जितने भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला जो क्वेश्चन, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नीति आयोग की दोस्तों स्थापना याद रखिएगा, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी मोदी जी द्वारा। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। ठीक है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष है डॉक्टर राजीव कुमार। एक क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं आप लोग कि नीति आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे दोस्तों, वो थे अरविंद पनगड़िया। ठीक है, और वर्तमान की बात करें तो राजीव कुमार। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ऑप्शन में दिया रहेगा अरविंद पनगड़िया, राजीव कुमार। तो वर्तमान पूछा जाए तो राजीव कुमार, लेकिन पहले जो उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के वो थे अरविंद पनगड़िया जी। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हो यानी UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के वर्तमान चेयरमैन है अरविंद सक्सेना जी। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, क्वेश्चन 4 देख लेते हैं, अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो है गैर उल हसन रिजवी। ठीक है, गैर उल हसन रिजवी अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान चेयरमैन है। मैंने देखा है हर एग्जाम में इस आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रोफेसर धीरेंद्र पाल सिंह, DP सिंह। ठीक है, प्रोफेसर धीरेंद्र पाल सिंह है UGC के वर्तमान चेयरमैन। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग का CEO भी पूछा जाता है, नीति आयोग का वर्तमान CEO कौन है, कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो वो हैं अमिताभ कांत, ये भी याद रखिएगा। परमाणु ऊर्जा आयोग, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के वर्तमान चेयरमैन है KN व्यास। कौन है? KN व्यास है परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाएगा। सातवें वेतन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं जस्टिस अशोक कुमार माथुर। ठीक है, इनको नियुक्त किया, जस्टिस अशोक कुमार माथुर को नियुक्त किया गया था। पंद्रहवें वित्त आयोग का अध्यक्ष, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पंद्रहवें वित्त आयोग का अध्यक्ष दोस्तों NK सिंह। ठीक है, पंद्रहवें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है। ठीक है, NK सिंह, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बेसिक से क्वेश्चन मैं देखा हूँ ये पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको कई बार मिस्टेक कर गए थे इतने सरल से सरल क्वेश्चन, तो आपको इनमें गलतियाँ नहीं करना है। अगला है, 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति बलवीर सिंह चौहान। लॉ कमीशन, 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति बलवीर सिंह चौहान। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट के आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर रामशंकर कटारिया। फिर दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्ड अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साहू। अगला है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? OBC कमीशन के न्यायमूर्ति VS सुरैया। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन के वर्तमान चेयरमैन है जस्टिस HL दत्तू। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान चेयरमैन है जस्टिस HL दत्तू। राष्ट्रीय वन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति BN कृपाल। ठीक है, वन आयोग, राष्ट्रीय वन आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति BN कृपाल। अगला है, दूर संचार आयोग के अध्यक्ष कौन है? R चंद्रशेखर। दूर संचार आयोग के अध्यक्ष हैं R चंद्रशेखर। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति DK जैन। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग के वर्तमान चेयरमैन कौन है? न्यायमूर्ति DK जैन। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है रेखा शर्मा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है इनकी। नेशनल वोमेन कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं स्तुति नारायण कक्कड़। ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, स्तुति नारायण कक्कड़। केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? RK माथुर यानी राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, राष्ट्रीय सतर्कता आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? शरद कुमार। ठीक है, राष्ट्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन है? शरद कुमार हैं, याद रखिएगा।
अगला दोस्तों, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राधा विनोद वर्मन। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर राधा विनोद वर्मन। अगला है दोस्तों, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार गुप्ता। ठीक है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार गुप्ता हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष कौन है? जी वी प्रधान। ठीक है, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष हैं जी वी प्रधान। ठीक है, तो ये थे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमुख आयोग के वर्तमान चेयरमैन। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, बाकी यहाँ पे जो वीडियोस प्ले होंगी एंड स्क्रीन, उसको जरूर देख लें, हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बताता हूँ कि प्रतिदिन हमारे वीडियो क्लास होता है हमारे यूट्यूब चैनल पे और हमारे वेबसाइट पे। अगर आप इसे लगातार देखना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारे वेबसाइट को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी के बटन दबा दो, लाइक बटन को दबाओ, और व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जो भी यूज़ करते हो शेयर करो, ताकि सब तक ये जानकारी फ्री में पहुँच सके। मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई भी डाउट, कंफ्यूजन हो, जैसे टेक्निकल डिटेल समझ में नहीं आ रहा है, फॉर्म कैसे भरना समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, वेबसाइट के कमेंट बॉक्स में लिखो, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखो, हमारे एक्सपर्ट टीचर आपको संपर्क करके आपकी सहायता ज़रूर 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 करेंगे। और मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने जो भी जीके, करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान, ये सब का जो बना रखा है नोट्स वगैरह, अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, वेबसाइट पर डाल रखा है, जैसे कि एक्सपर्ट टीचर ने बनाया है, सबका लिंक वीडियो के नीचे वर्णन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, या ऊपर कोने में आई बटन क्लिक करके आप देख सकते हो। अगर आप अपनी तैयारी अच्छी करना चाहते हो तो डेली 2-4 वीडियो हमारे वेबसाइट से देखो, वेबसाइट से पढ़ो, इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी।